एचएसएससी व हरियाणा गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में चली चाल। सभी को राम राम, नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व हरियाणा गवर्नमेंट युवाओं का के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के साथ एक चाल चल रही है, युवाओं को एक जालसाजी में फंसा करके रखा है। पिछले 4 साल से कोई भर्तियां नहीं करना और इलेक्शन आए तो फिर कोई छोटी मोटी भर्तियां निकाल देना, जैसे ग्रुप डी की भर्ती निकाली और सोचा कि अच्छा खासा नाम होगा, बट वो नाम हो नहीं पाया। आइए, क्या चाल चली है और कैसे युवाओं को झांसा दिया जा रहा है, सबसे पहले तो देखते हैं कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट में होना जाना कुछ नहीं था, कोर्ट में जाते हैं, एजी साहब भी पहुंचते हैं, उसके साथ साथ अन्य वकीलों की तकड़ी फौज भी पहुंचती है। आज एजी साहब पहुंचते हैं, दिखावा करने के लिए अन्य वकीलों की फौज भी पहुंचती है और काफी ढेर सारे स्टूडेंट भी आज रूम में, हाई कोर्ट में रूम में अंदर दाखिल थे। सभी ने यह माजरा देखा। वही एजी साहब का पक्ष कमजोर नजर आया पीछे की तरह, जिस प्रकार पीछे कमजोर पक्ष नजर आया, और वही प्राइवेट वकील थोड़ा सा हैवी होते नजर आए। अब सीधी सी बात है, हैवी होते नजर आए तो डेट आगे की लेनी थी। पहले तो ये जान लेते हैं डेट आगे की कब की मिली है और क्यों आगे की लेनी थी, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो यहां देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले तो जो सोशो इकोनॉमिक का केस है, सोशो इकोनॉमिक के केस में तो 21 मार्च नेक्स्ट डेट ले ली गई है, यानी कि परसों की नेक्स्ट डेट ले ली गई है। और समझ लीजिए, परसों भी कुछ नहीं होना, ये और आगे जाएंगी, ये धीरे धीरे 2 दिन, 5 दिन, फिर कभी 7 दिन, किस प्रकार ये और आगे जाने की ही संभावना है जो 21 मार्च के लिए है। क्यों जाएगी वो भी बात करेंगे। वहीं बात करते हैं अदर केसेज की। ये तो सबसे मेन केस तो यही है, सामाजिक आर्थिक मानदंड। यदि ये मेन केस क्यों है, यदि 5 नंबर हट गए तो सब कुछ बर्बाद। सब कुछ बर्बाद का मतलब सरकार का सब कुछ बर्बाद, ग्रुप 56 भी गया, फिर ग्रुप 57 भी गया, फिर जो ये मेन्स की जो ज्वाइनिंग दे रखी है बहुत सारी, ये गई सारी, ये ज्वाइनिंग ही गई। फिर इस बात को समझे, ये ज्वाइनिंग गई बहुत सारी। यदि 5 नंबर हटे तो 56 कैंसिल, 57 कैंसिल, बहुत सारों की ज्वाइनिंग रद्द। तभी इनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे रखी है, ग्रुप सी वालों को खतरा हो जाएगा इन ज्वाइनिंग को। इसलिए सरकार भी भयभीत है, डरी हुई है, सहमी हुई है। तो वही अदर जितने भी केसेज हैं उसकी नेक्स्ट डेट क्या मिली है, आप देखेंगे LPA 1037 में नेक्स्ट डेट 2 अप्रैल दी है। अब बात करते हैं कैसे सरकार चाल चल रही है, चाल इस प्रकार चल रही, जैसा मैंने बताया कि आज प्राइवेट वकीलों का जो पक्ष था वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था और एजी साहब का पक्ष पहले की तरह कमजोर नजर आया। अब कमजोर पक्ष नजर आने पर यदि एजी साहब अपनी वहां मान ले हार, तो हार मानने से सीधा सीधा इलेक्शन में नुकसान, सरकार को नुकसान है। और सरकार ने सख्त संदेश दे रखे, हार मान के नहीं आनी जब तक वोटिंग ना डल ले, जब तक युवा हमारा वोट का बटन ना दबा ले, तब तक हार नहीं मान के आनी, बेशक आगे की डेट खिसकाते रहो। तो इसीलिए ये चाल चली जा रही है ताकि यदि इन्हें खतरा नजर आ रहा है, सरकार को ऐसा लग रहा है कल को ये ज्वाइनिंग दी गई इन्हें भी खतरा हो जाएगा कोर्ट से, मतलब सरकार की हार होती है, 56-57 चला गया तो सरकार की फिर इलेक्शन में हार हो जाएगी। ऐसे में इन्होंने चाल ये चल रखी, धीरे 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 फुसलाया जाए चीजों को, तब तक कम से कम टहलाया जाए जब तक लोकसभा की वोटिंग ना हो जाए। ये एक जबरदस्त चाल चली हुई आपके साथ, और जैसे ही लोकसभा इलेक्शन खत्म हो जाएगा और विधानसभा से पहले फिर ये सारा कुछ निपटा देंगे, फिर सब कुछ निपटा देंगे। लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही, हरियाणा में वोटिंग डलते ही फिर ये सब कुछ निपटाने की कोशिश कर देंगे। यानी इनके प्रयास यही है किसी न किसी तरीके से युवाओं को बस यही कहा जाए कोर्ट में है, कोर्ट में है, भर्तियां कोर्ट में है, और ये तब तक उसको लटका के रखना चाहते हैं ताकि युवा उस भ्रम की स्थिति में रहे। चलिए, तो आपको पता चल गया किस प्रकार सरकार आपके साथ खेला कर रही है, किस प्रकार चाल कर रही है। आपकी क्या राय है, भर्ती रोको गैंग कौन है, सरकार है कि युवा है, चाल कौन चल रहे हैं, युवा चल रहे हैं, कोर्ट चल रहे हैं कि सरकार चल रही है, कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।